आप देख रहे हैं LT News 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नजर। फाइनल एग्जाम्स में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स एक मिनट के लिए भी लेट हुए तो उन्हें एग्जाम लिखने के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी। सेंटर में हुकूमत की जानिब से सख्त ऑर्डर्स। इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम्स का कल यानी बरोजे जुमा बतारीख 6 मई से आगाज हो जाएगा। इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट्स को आधा घंटा पहले ही सेंटर में बिठाया जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट्स करने, और सुबह 9 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 12 बजे खत्म होगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अपना एग्जाम लिखेंगे। सेकेंड लैंग्वेज से शुरू किया जाएगा एग्जाम। इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 24 मई को खत्म होंगे। बताया जा रहा है कुल 9,07,393 स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट एग्जाम्स लिखेंगे तेलंगाना रियासत से, जिसमें से 4,42,767 सेकेंड ईयर स्टूडेंट से और 4,64,626 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से जो एग्जामिनेशन के लिए अपियर होंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बताया 1,443 सेंटर्स मौजूद है तेलंगाना रियासत भर में, जिसमें से 25,513 इन्विजिलेटर्स मौजूद है और 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेंगे, 150 सिटिंग स्क्वाड्स रहेंगे। इसके अलावा बोर्ड की जानिब से साफ सुथरा पीने का पानी का इंतजाम किया गया, मेडिकल किट्स का भी इंतजाम किया गया। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को हमारी चैनल की जानिब से ऑल दी बेस्ट।